सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों, मेरा नाम है सनी। आप देख रहे हैं द फ्लाई बाइकर का एक और एपिसोड। तो दोस्तों, आज जम्मू काफ़ी गर्मी में, और आज के वीडियो में जो अपने ब्रेक शूज़ जो है हम चेंज करवाने वाले हैं बाइक कैरियर वाले, जो कि मैंने ऑनलाइन ऑर्डर करवाए थे। एक्चुअली मैं पहले जो मैंने मंगवाए थे वो ABS वर्जन के आ गए थे, तो अभी रिटर्न करवा के नॉन ABS वर्जन के मंगवाए हैं। ठीक है, तो वो अभी इसमें इंस्टॉल करने वाला हूँ मैं। तो चलिए चलते पहले इंस्टॉल करवा लेते हैं और उसके बाद मिलते हैं फिर आपसे आगे। लेट्स गो। तो दोस्तों, इसका जो यहाँ पर कैलिबर का पंप था वो भी जाम था थोड़ा, तो अभी भैया ने थोड़ा लूज़ किया और अभी ब्रेक शूज़ जो है वो निकाल रहे हैं और नए ब्रेक शूज़ इंस्टॉल करेंगे अभी। साइज तो बड़ा है ना, क्या बराबर ही है, ऐसे ही बड़ा दिख रहा है। लग जाएगा ठीक है, लगा देंगे। लिफाफे के अंदर बड़ा दिख रहा था। तो ये रहे पुराने वाले ब्रेक शूज़। तो देखिए किस प्रकार यहाँ पे ये घस गए हैं थोड़े थोड़े, अंदर से ख़राब हो गए एक्चुअली ब्रेक पैड। इसकी क्वांटिटी तो पूरी पूरी है लेकिन ये ख़राब हो चुका है थोड़ा बहुत। तो साथ ही साथ में यहाँ पे ब्रेक वाल भी रीफिल करवा लिया मैंने, और साथ ही साथ में इसका फुटरेस्ट जो है वो भी चेंज करवा लिया, क्योंकि फुटरेस्ट और जो ब्रेक लीवर की अलाइनमेंट थी बिल्कुल सेम लेवल पे थी, क्योंकि पुराना ब्रेक शूज़ पुराना जो फुटरेस्ट है वो काफ़ी घस चुका था। तो नया फुटरेस्ट भी जो मैंने इस बाइक में लगवा लिया ताकि ब्रेक्स जो हैं वो और ईज़िली लगे और एक अच्छी ग्रिप यहाँ पर मिल जाएगी। तो चलिए लगा लेते हैं इसको भी। तो गाइस, जैसे कि भी आपने देखा, इंस्टॉलेशन ब्रेक पैड्स की मैं करवा चुका था कल शाम को। तो आज ये डे सेकंड है ब्लॉग का। तो दोस्तों, हुआ क्या अभी कि जैसे कि कल रात यहाँ बहुत बारिश हुई थी, अभी आप अगर मौसम देखेंगे तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कल रात को बहुत ज़्यादा बारिश हुई है, और उस ज़्यादा बारिश ने यहाँ पर जो है बाइक में एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। ठीक है, वो प्रॉब्लम क्या है उसके बारे में ही आज बात करेंगे। प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ यानी कि स्टार्टिंग की प्रॉब्लम आ गई है बाइक में, क्योंकि कल रात को बहुत तेज़ बारिश हुई है। और मुझे नहीं लगता, क्योंकि बाइक ऐसे तो आम दिनों में एकदम एक सेल्फ पे स्टार्ट हो रही थी, लेकिन आज जो है ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। बाइक सेल्फ ले रही है लेकिन एक अजीब सी आवाज़ जो इस बाइक के अंदर से आ रही है। तो चलिए मैं एक बार आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ ताकि आपको भी थोड़ा आइडिया मिल सके। तो अभी चाबी लगा के देखते हैं, ये और ये फ्यूल पंप ऑन और न्यूट्रल इंडिकेटर। ठीक है, तो लेट्स गिव इट अ सेल्फ। ये देखिए, एक और ट्राई मारते हैं इंजन के पास से आवाज़ सुनते एक बार। तो दोस्तों, अभी मैं नीचे आ गया, ऊपर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, बारिश के बाद तो ह्यूमिडिटी और बढ़ गई है। तो जैसे कि भी आपने वीडियो देखा कि जो भी कुछ प्रॉब्लम आ रही है सेल्फ को लेके, एक अजीब सी आवाज़ भी आ रही है। ठीक है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये क्या इशू है, कि क्योंकि बारिश में बाइक खड़ी थी, बट ऐसा होना तो नहीं चाहिए था, बट ये प्रॉब्लम बारिश के बाद ही नहीं आई है। ऐसा नहीं कि मैं बाइक चला रहा था, चलाते चलाते प्रॉब्लम आ गई, क्योंकि बारिश जब हुई है और बारिश के नेक्स्ट डे, ये मतलब आज की बात कर रहा हूँ मैं, बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। सेल्फ बाइक ले रही, जैसे कि आपने देखा सेल्फ बाइक एकदम ओके है, बट जो आगे जो है वो फर्दर प्रोसेस नहीं हो पा रहा है। वो क्यों नहीं हो पा रहा है, तो अभी मैंने क्लिप जो है अपने मैकेनिक को सेंड करने वाला हूँ थोड़ी देर में, तो देखते हैं क्या बताता है वो। तो अब क्या है कि बाइक में ओवरऑल अब जो है काम जो है, आई थिंक दो तीन मेजर काम अब आ चुके हैं, तो अब इसे जल्द से जल्द ये सारे काम कवर करने होंगे। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया था क्लच प्लेट्स, उसके बाद क्लच प्लेट के साथ इंजन ऑयल, मतलब मैं इंटरनल काम की बात कर रहा हूँ, एक्सटर्नल नहीं मैं काउंट कर रहा। क्लच प्लेट्स आ गई और अभी यहाँ पे सेल्फ की थोड़ी सी दिक्कत आ गई है। आई विश के ज़्यादा कोई प्रॉब्लम ना हो, स्पार्क प्लग वगैरह छोटा मोटा काम हो। हाँ, क्लच प्लेट और स्पार्क प्लग, और सॉरी स्टार्टिंग प्रॉब्लम, तो दो मेन काम आ गए हैं। तो अब आई थिंक ये सारे काम करवाने का वक्त आ गया है,
तो चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जैसे कि बाइक के सारे काम होते हैं साथ साथ अपडेट आपको मिलते रहेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।